अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा खूबसूरत इलेक्ट्रा स्ट्रीट का एरिया अबू धाबी का। अब मुझे टाइम मिला है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपने ये वीडियो आखिर तक देखना है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रा स्ट्रीट और इलाका काफ़ी अच्छा है, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो आपको जो है मज़ीद कुछ एरियाज़ दिखाऊँगा यहाँ से चलते हुए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आएगा जी। इलेक्ट्रा स्ट्रीट और बैकग्राउंड पे जो है बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। तो अभी जो है मैं उस एरिया की तरफ जाऊंगा और वहाँ पर क्या कुछ है, वहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर बैठकर आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है। रोड क्रॉस करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ऑपोजिट साइड पर मस्जिद के पास एक पार्क है, वहाँ पर बैठकर आप लोगों से बात करूँगा। और जो बैकग्राउंड पे ये ए वाला एरिया जाएगा उधर को, लास्ट टाइम मैं गया था वहाँ पर पूमा आउटलेट पे, तो वो इसी साइड पर आता है। तो अभी चलकर जो है उस साइड पर पार्क में बैठकर आप लोगों से बात करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद और बस इसके पास ही पार्क है। और इस एरिया में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पर कहा जाए कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ से मिलेगा आपको। मुझे तो पसीना भी आ गया है, क्या करें, हालांकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हुई है लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ गया यहाँ पे। तो बैठता हूँ पार्क में जी। ये है खूबसूरत पार्क अलजाहिया का इलेक्ट्रा स्ट्रीट के पास। और अभी आपको मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर बैठ कर आप लोगों से बात करूँगा। तो अभी बैठ जाता हूँ मैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी ये है कि हाँ जी, यहाँ बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ मैं। ओह गर्मी की शिद्दत क्या बताऊँ आपको। हालांकि जो है ये अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, बल्कि हाँ आज 10 अगस्त हो गई हुई है। तो कुछ गर्मी का ज़ोर टूटना चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए, बारिश अभी नहीं हुई यहाँ पर। बात मैंने आप लोगों से करनी है कि ये जो इलाका है इधर का, अभी आपको मैंने दिखाया इस वीडियो में कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, तो थकन काफ़ी हुई है मुझे। मेरा रहा था कि मैं यहाँ पर आसपास जाकर आपको दिखाता, लेकिन मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट करूँगा वीडियो को और आप लोगों से बात करूँगा कि मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आप इतनी मेहनत करें कि एक वक्त आएगा आपको इसका फल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है क्या कहते हैं, हाँ जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको जो है डिस्करेज करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, आपके अपने लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। वो अगर ऐसा करेंगे तो आपके अंदर और हिम्मत पैदा होगी कि आपने कुछ करना है, आपने कुछ करके दिखाना है, आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बेकार लोग होंगे जिनका काम ही ये होगा कि बस हंसना और मजाक उड़ाना एक दूसरे का और कुछ भी नहीं करना, जो बेकार लोग होते हैं वो हंसते हैं और उनका मकसद ये होता है कि बस आप लोगों को जो है डीमोटिवेट किया जाए और बस दिलासा नहीं देना आप लोगों को। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपनी फैमिली का, ख़ास तौर पर मेरी वाइफ का, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। और बस कंटेंट जो है आपने जानदार कंटेंट बनाना है, मेरा तो नॉर्मल सा कंटेंट है और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, परफ्यूम्स, ट्रैवलिंग, फूड, सब कुछ मिक्स कर दिया मैंने जो जो मेरे जहन में आ रहा था। तो यह आप पर है कि आप कैसा बनाएंगे कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाइए, बेहतरीन कंटेंट बनाइए और कामयाब हो जाइए, ठीक है। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। और अब मगरिब का भी वक्त हो चुका है और अभी थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, तो अब जाके जो है फ्रेश हो जाऊँ, वुज़ू कर लूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ये मैंने आपको बताना था, मेहनत आपने करनी है, जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। और थकन काफ़ी हो चुकी है, मैं भी अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से उठूँ और मगरिब का भी वक्त हो चुका है तकरीबन, जाकर वुज़ू करूं, फ़्रेश हो जाऊं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से जो है बात होगी, बल्कि मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तो ये है खूबसूरत
इलेक्ट्रो स्ट्रीट अलजाहिया अबू धाबी, ठीक है। जो यहाँ पर रह रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह नए वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम। एक बात रह गई थी, एक बात वो इसमें ऐड करूँगा। मुझे एक दोस्त ने पूछा है कि भाईजान बताएं शरीका का मतलब, शरीका क्या है। तो वैसे ये हमारे उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और इसका मतलब जो है सबको पता है कि क्या है, वो ये है कि अब मैं अपने तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि वो लोग जो बेकार हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, और अगर फैमिली में से कोई बंदा काम करना चाहे और उसको जो है वो डिस्करेज करें और बस उसका जो है वो हौसला अफजाई ना करें, इसको कहते हैं शरीका। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं वो गुजरांवाला से आए थे और उन्होंने बताया कि यार मैं तो कोई चीज़ अपलोड भी नहीं करता किसी भी सोशल मीडिया पे, क्या होता है कि फैमिली वाले हैं शरीका तो वो कहेंगे जी ये इसने अपलोड किया है, ये पता नहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। तो उनको नहीं पता कि परदेसी जो हैं बाहर के मुल्क में क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। तो ये है शरीका का मतलब, आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने एक क्लिप ऐड करना था तो इसको मैंने ऐड किया है, ये मेरे बात जहन से निकल गई हुई थी तो ये मैंने आपको बताना था कि ये चीज़ होती है। खुश रहिए और दबा कर मेहनत कीजिए और छोड़ दीजिए उन लोगों को कि जो आपका मजाक उड़ाते हैं और वो नहीं चाहते कि आप कहीं कामयाब ना हो जाएं, ठीक है। तो बेकार लोगों को साइड पे कर दें, जो बेकार हैं वो बेकार ही हैं, ठीक है। तो ये मेरा पैगाम है आपके लिए।